एक समय उत्तर प्रदेश में खौफ का नाम अतीक अहमद हुआ करता था, लेकिन अब खुद अतीक को पुलिस का खौफ सता रहा है। आखिर अतीक अहमद के आतंक की दुनिया में आने के पीछे की क्या कहानी है, आइए जानते हैं। अतीक के आतंक की कहानी 1979 में शुरू हुई। अतीक पर सबसे पहले हत्या का आरोप लगा। राजनीति में अपने पैर जमाने के बाद उसका आतंक बढ़ता ही गया। अतीक पर 100 से ज्यादा हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण जैसे मामले दर्ज हैं। अतीक का आतंक इतना था कि उसके खिलाफ कोई गवाही देने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। ये साल 1987 के आसपास की बात है। उस समय इलाहाबाद शहर में चांद बाबा का दौर था। क्या नेता और क्या कारोबारी, सभी चांद बाबा के नाम से खौफ खाते थे। लेकिन इस बीच अतीक अहमद भी अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा रहा था। 1979 में यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान इलाहाबाद पश्चिम सीट से अतीक ने निर्दलीय पर्चा भरा और उसके सामने चुनौती देने था चांद बाबा। इससे पहले चांद बाबा और अतीक में कई बार गैंग वॉर हो चुके थे। काउंटिंग वाले दिन अतीक अहमद और चांद बाबा के बीच गैंग वॉर हुआ और इसी गैंग वॉर में चांद बाबा की मौत हो गई। चुनाव के रिजल्ट आए जिसमें अतीक अहमद की जीत हुई और वो विधायक बन गया। चांद बाबा के मारे जाने के बाद अब बारी उसके गुर्गों की थी। एक के बाद एक चांद बाबा की गैंग में शामिल लोगों की हत्या हुई और कुछ अंडरग्राउंड हो गए। खास बात तो ये थी कि चांद बाबा की हत्या मामले में अतीक पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और चांद बाबा की मौत के पीछे गैंग की मुठभेड़ का कारण बता दिया गया। चांद बाबा की हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर बढ़ चला कि अच्छे से अच्छे नेता भी इलाहाबाद पश्चिम सीट से टिकट लेने से खुद ही मना कर देते थे। अब तक समाजवादी पार्टी से अतीक की नजदीकी बढ़ चुकी थी। 1996 में फिर विधानसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी ने अतीक को अपनी पार्टी से टिकट दिया। उसने चुनाव लड़ा और चौथी बार वो फिर से विधायक बन गया। 1999 में अतीक ने अपना दल का हाथ थामा और 2002 के विधानसभा चुनाव में उसने पांचवी बार जीत दर्ज की। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े मामले में अब अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज जेल में शिफ्ट किया गया है। 28 मार्च को उमेश पाल अपहरण से जुड़े मामले में अतीक और उसके भाई अशरफ की पेशी होनी है।